कक्षा 9 के विद्यार्थियों शुभ प्रभात। कल मैंने आपको घातांकों के नियम बताए थे, आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। आज एक बार फिर मैं उन सभी सूत्रों को पुनः रिवाइज करवा देता हूं जो कल पढ़ाए थे। आपको सूत्र कंफर्म और बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। एक प्रश्न अवश्य रूप से, निश्चित रूप से अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं में एक एक प्रश्न जरूर आएगा घातांकों के नियम पर आधारित। कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए 125 के अभाज्य में खंड करें तो ये आएगा 5 × 5 × 5 बराबर 5 की घात 3। तो 5 हुआ आधार और 3 हुई घात और 125 हुए मान। अगर मैं आधार ए लेता हूं और घात m या n लेता हूं जो कि कोई धनात्मक संख्या है, तो कल मैंने आपको 10-11 सूत्र कराए थे, उनको एक बार आज फिर रिवाइज करा देता हूं। नंबर 1, आधार a की घात m गुणा a की घात n, यदि आधार समान है, दोबारा देख लीजिए, आधार समान है तो आधार तो यही रहेगा और घातें जुड़ जाएंगी। सूत्र नंबर 2, एक ही घात n और भाग की क्रिया है एक ही घात n से, तो आधार यही रहेगा और अंश में से हर को घटा देंगे, चाहे छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है। सूत्र नंबर 3, घात पर घात, आज हो सकता है कल वाले जो मैंने सूत्र कराए थे उसके बाद उससे आज का क्रम आगे पीछे हो सकता है, क्रम की कोई बड़ी बात नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। घात पर घात एक ही घात n की भी घात n, इसका मतलब है कि एक ही घात एम को एन बार लिखो और यह होगा, इसका सॉल्यूशन होगा एक ही घात घातें परस्पर गुणा हो जाएगी एम एन। जैसे मानो एक ही घात 3 की घात 2 है तो 3 × 6, मानो 2 की घात 3 की भी घात 2 तो घात आपस में गुणा हो जाएगी। चौथा है, एक ही घात एम गुणा बी की घात एम। अब आधार मैंने बदल दिया है, आधार अलग अलग है लेकिन घात समान है, तो क्या करेंगे, ए को बी से गुणा करेंगे और दोनों की घात एम। जैसे 2 की घात 2 और 3 की घात 2, तो हम क्या करेंगे, 2 × 6 × 6 की घात 2 माना जाएगा। इसी तरह से 22 वर्षा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 की घात 2 को 2 की घात 2 × 3 की घात 2 भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही पांचवा सूत्र, मान लीजिए घात ए बटा बी की घात एम है, तो ये जो एम घात है ये ए पर भी जाएगी और बी पर भी जाएगी, दोनों आधार पर ए और बी की घात, ए और बी पर दोनों पर जो है एम घात जाएगी। छठा सूत्र है आपका, किसी की भी घात 0, 100 की घात 0, 1000 की घात 0, किसी की भी घात 0 हो तो उसका मतलब होता है 1। सातवां, किसी भी आधार पर यदि 1 घात हो तो वही आधार इसका मान होता है। आठवां, अगर ऋणात्मक घात है और इसको धनात्मक बनाना है तो इसको लिखेंगे, ये किसमें है, अगर कोई अकेली संख्या है तो क्या मानी जाती है, अंश, तो इसको अंश को हर में और हर को अंश में बदल देते हैं, यानी कि इसको हर में ले आएंगे, हर को अंश में अंश को हर में नहीं, जो ऋणात्मक घात है उसको हर में ले आएंगे अगर अंश में है तो, और हर में है तो अंश में ले जाएंगे, ये होगी धनात्मक घात। नवा, अब जैसे मान लीजिए ये है 1 की घात -m, तो ये कहां पर है, हर में, इसको क्या करेंगे अंश में ले जाएंगे और ये हो जाएगा 1 की घात m। मैंने आपको बताया था अंडर रूट a बराबर होता है 1 की घात 1/2, क्यूब रूट a बराबर होता है 1 की घात 1/3। अगर 1 की घात m/n है तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 की घात m का n√, 1 की घात m का n√। इस तरह से कल मैंने आपको ये बातें बताई थी। मेरे पास एक दो बच्चों की क्वेरी आई थी कि सर पाई, वो प्रश्न में है किताब में ये प्रश्न भी है कि पाई अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है लेकिन किसी वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस को मैं सी कहूं
तो सी बराबर होता है टू पाई आर और टू आर होता है डी, तो पाई का मान आ गया सी बटा डी। अगर पाई अपरिमेय संख्या है तो यह भिन्न रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, लेकिन यहां पर हमारा जवाब भिन्न रूप में आ रहा है। तो यह कैसे संभव हुआ? एक तरफ तो हम कह रहे हैं अपरिमेय है, अपरिमेय हुआ तो क्या हुआ, पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त नहीं की जा सकती, लेकिन यहां पर पी बटे क्यू के रूप में इसका मान आ रहा है, यह विरोधाभास किस लिए? तो इसका कारण है स्केल से मापी जा सकने वाली कोई भी दूरी किसी भी यंत्र द्वारा, स्केल से नहीं, किसी भी यंत्र द्वारा मापी जा सकने वाली कोई भी दूरी पूर्णतः यथार्थ नहीं होती। हम निकटतम मान मापते हैं, किसी भी स्केल द्वारा दूरी को एग्जैक्ट नहीं नाप सकते, निकटतम मान में मापा जाता है। सी निकटतम मान है, डी भी निकटतम मान है। मान लो आपको 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है, आपने प्रकार में 4 सेंटीमीटर का एक चाप भरा, राइट, दूरी भरी, वो 4 नहीं है एग्जैक्ट, वो 4 के पास है। आज तक दुनिया में ऐसा कोई आविष्कार ही नहीं हुआ कि आप किसी भी स्केल से किसी भी दूरी को परिशुद्धता के साथ नाप सके, नहीं हो सकता, संभव नहीं है। तो यह निकटतम मान है, इसलिए यह कोई विरोधाभास नहीं है, पाई अपरिमेय संख्या ही है। पाई एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि सी और डी किसी भी स्केल द्वारा मापी जा सकने वाली परिशुद्धता की कोट पर जो है पूर्णतः सही नहीं होती है, निकटतम मान होता है, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा अंडर रूट 9.3 या अंडर रूट 5.3, मैंने आपको जब संख्या पद्धति पढ़ाई है तो संख्या पद्धति में परिमेय और अपरिमेय की जो व्याख्या है वो भिन्न रूप में और दशमलव रूप में कराई थी। भिन्न रूप में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण मैं आपको करा चुका हूं। दशमलव रूप में 3.5, 4.3 आप बहुत आसानी से स्केल से माप सकते हैं, और दशमलव के 4 अंकों तक 6 अंकों तक भी मैंने आपको मापना बता दिया। प्रोसेस कौन सा था? उत्तरोत्तर आवर्धन द्वारा किसी भी परिमेय संख्या जो कि दशमलव रूप में, किसी भी दशमलव रूप में परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। एक टॉपिक रह गया था कि अपरिमेय संख्या दशमलव की, उसको संख्या रेखा पर कैसे लिखें? तो इसके लिए मान लीजिए वह संख्या x है। अब x में आप 5.3, 9.3, किताब में 9.3 दे रखा है, उदाहरण में 5.3 दे रखा है, आप कोई सा भी सवाल ले लें, आप कितना आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गए तो आप कोई भी सवाल कर लेंगे। मान लीजिए आप x एक अपरिमेय संख्या है, अंडर रूट एक्स एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले ए बी एक दूरी खींचेंगे, ए बी पहला, ए बी बराबर एक्स सेंटीमीटर ले लो इकाई, सेंटीमीटर खींचिए। अब बी से सी तक 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाएंगे, मैं आपको इसकी व्याख्या भी बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ है। यह हुआ एक्स और यह हुआ एक, बी से सी 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया। तीसरा, एसी का लंब समद्विभाजन करेंगे, एसी का लंब समद्वि, यह आपको स्टेप रखने हैं, समद्विभाजन किया तो ए
सीधा लमसम विभाजन करने से मान लीजिए आपको ये ओ पॉइंट मिल गया, कर ओ बिंदु प्राप्त किया, आता है ना लमसम विभाजन करना, कैसे करेंगे? मान लीजिए एसी है, आधी से ज्यादा दूरी है, एक चाप ऊपर एक नीचे, यहां से फिर एक चाप ऊपर और एक नीचे, और इसको मिला देंगे, इस प्रकार आपको ये ओ बिंदु मिल जाएगा। ए सी का लंब समद्विभाजन हो गया, ये समद्विभाजन भी हुआ है और लंब भी हुआ है। अब आप क्या करेंगे? अब इससे क्या हुआ, अतः ओ ए बराबर ओ सी बराबर, ये दोनों बराबर आ गए। अब आप ओ ए बराबर ओ सी बराबर आर लेकर एक अर्धवृत्त की रचना करेंगे। B पर OC बराबर आर और O केंद्र मानकर अर्धवृत्त की रचना की। B पर समकोण बनाएंगे 90 डिग्री का, B पर समकोण की रचना करेंगे, ये प्रकार की सहायता समझेंगे, समकोण की रचना करनी है, छठी सातवीं से सीखता रहे हम लोग, 90 डिग्री का कोण कैसे बनाना है। जहां पर इसने चाप को काटा वो बिंदु आया डी, ओ को अब क्या हुआ रचना की और डी बिंदु अर्धवृत्त पर प्राप्त किया। OBD एक समकोण त्रिभुज बन गया, अब देखिए OD बराबर OA बराबर OB बराबर कितना होगा x प्लस एक बटा दो, क्योंकि ये जो पूरी दूरी है AC ये x प्लस एक है, x प्लस एक बटा दो ये हुआ OD। OB बताइए क्या होगा, OB बराबर OC माइनस एक यानी कि OC माइनस BC, x प्लस एक बटा दो माइनस एक बराबर एक्स माइनस एक बटा दो लघुत्तम लेकर के हल किया है ओ बी। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस सूत्र से, प्रमेय नहीं लिखेंगे सूत्र से, बीडी बराबर, बोलिए बीडी बराबर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर यानी कि ओडी स्क्वायर माइनस ओबी स्क्वायर और वो भी वर्गमूल में, यानी कि एक्स प्लस एक बटा दो का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एक बटा दो का होल स्क्वायर, इस तरह से ये होगा। इसको हल करेंगे तो चार तो आ जाएगा बटे में लघुत्तम, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है फोर ए बी, चार एक्स, चार से चार कट गया अंडर रूट रहेगा ही और यह आया अंडर रूट एक्स, अर्थात बीडी का मान अंडर रूट एक्स के बराबर है, ये जो बीडी है ये आ गया आपका अंडर रूट एक्स। अंडर रूट एक्स एक अपरिमेय संख्या है, उसको हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लिया कि ये दूरी अपरिमेय संख्या है। अब इसको संख्या रेखा पर लाना है तो क्या करेंगे, संख्या रेखा को आगे बढ़ाओ, चाप के बराबर चाप, ये चाप है, चाप के बराबर या तो चाप काटो या इसको नीचे ऐसे उतार लो, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी हुई अंडर रूट एक्स। इस प्रकार दशमलव प्रसार की अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण इस प्रकार से किया जाता है, ये इसका स्पष्टीकरण। स्टेप क्या रटेंगे, सबसे पहले ये लिया मान लो 5.3 9.3 जो भी है, एक सेंटीमीटर आगे बढ़ाया,
एसी का लंब सम द्विभाजन करके ओ बिंदु लिया, ओ को केंद्र मानकर अर्धवृत्त की रचना की, बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया, डी बिंदु मिला, डी बिंदु मिलते ही पाइथागोरस द्वारा बीडी बराबर अंडर रूट 5.3 है तो 5.3, 9.3 है तो 9.3, एक्स है तो एक्स, और बीडी को बी को केंद्र मानकर इस डी के बराबर चाप को संख्या रेखा पर लिया है, ये दूरी हुई आपकी अंडर रूट एक्स या अंडर रूट 5.3 या अंडर रूट 9.3। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। ये प्रश्नावली आपके डाउट समेत क्लियर हुई। अब कल से आपको बहुपद प्रश्नावली चालू करेंगे, और इस प्रश्नावली के कोई और क्वेश्चन हो तो आप भेज दें स्कूल के फोन नंबर पर या व्हाट्सएप पर। थैंक यू।